भाई ने इस महफिल को सजाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन खेती के अंदर, इनके घरों के अंदर, मकान के अंदर में बना बना के अता फरमाए। आमीन कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब की बना। आमीन कहते हैं आमीन। बच्चे के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है हुसैन से बोलो कौन कौन मोहब्बत करता है, हाथ उठा के बताइए। इतनी कड़ी सब करते हो ना, बच्चे के बोलो सुभान अल्लाह। शायर कहता है तोता कफल कैसे हार जाएगा, तोता कफल कैसे हार जाएगा, कफर बना के रहम वीर बेकार जाएगा। पैदल चले गए सारी दुनिया की करबला का संविधान जाएगा, सुहान अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया जिसके दिल के अंदर, जिसके मन के अंदर उस रब्बुल आलमीन का खौफ है उसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत है। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर रुकसत की बात आऊंगा। उनका बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत होती है अपने शोर को देखना बहुत कर दिया करती थी। 15 साल आप जो कहा सुनी होगी जब दो एक जगह रहते हैं कभी न कभी कभी जाते हैं कभी न कभी कभी जाते हैं। एक दिन क्या हुआ चाली जनाब तलाक दे डाली। बीबी ने जैसे ही कहा ना कि तू जहन्नमी है, हारून रशीद बादशाह को गुस्सा आ गया, कहने लगा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक, मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। आज भी लोग तलाक लेते हैं साहब, जब तीनों तलाक दिया गया ना तब आके मौलाना साहब के पास आई मौलाना साहब जरा बताइए कोई हल है जो बच जाए हम अब तलाक, जब तीनों दे देता है ना तब आता है, एक देख नहीं आता तीनों बिल्कुल पूरे काम करके आता है। अब हारून रशीद बादशाह ने अपनी बीबी को तलाक दे दी, तीन मर्तबा तलाक दी। तलाक देने के बाद हज़रत मोहतरम हारून रशीद बादशाह अल्लाह से डरने वाला बादशाह, पढ़ा लिखा बादशाह था, आज जैसे बादशाह उसे तरह नहीं था बिल्कुल चाहे पढ़ा लिखा बादशाह था। हारून रशीद बादशाह ने गुस्से में हज़रत मोहतरम तलाक को दे दी। बाद में बहुत महीने बहुत पछताया, कहने लगा मैंने कितना बड़ा बुरा कर लिया, अपनी बीबी को मैंने तलाक दे दी। हज़रत मोहतरम बादशाह रात को सोते मगर नींद नहीं आती, मेरी बीबी को तलाक हो गई, ये नहीं हुई बाबा नहीं तलाक की बात है, बादशाह को दावा करना ये झंझटी है, ये झंझटी है। बादशाह ने कैद लगाई थी अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मुझे तलाक। अब हारून रशीद बादशाह को कौन बताए जहन्नमी है जन्नती है, हम तुम सब बैठे कोई नहीं बता सकता कौन जन्नती है कौन जहन्नमी, कोई बता सकता भाई नहीं बता सकता ना हम में कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अगर जहन्नमी कोई साबित कर दे तो तलाक हो गई, और अगर बादशाह जहन्नमी नहीं तो तलाक नहीं हुई। हारून रशीद बादशाह बड़ा परेशान है, तख्त का मालिक है, ताज का मालिक है, हारून रशीद बादशाह
मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। उससे कहने लगे अजी तुमने कैसे तलाक दे, कहने लगे मेरी बीवी ने मुझसे कहा ओ हारून रशीद बादशाह चाचनी है। मैंने इस लफ्ज को सुना मेरा खून बोलने लगा, मेरे चेहरे की टोपर में पड़ गई। मैंने अपनी बीवी से कह दिया अगर मैं चाचनी में तुझे तलाक तुझे तलाक तुझे तलाक, अब ये बताइए मैं चाचनी हूँ या जन्नती हूँ। अगर चाचनी तो मेरी बीवी को तलाक हो गई और अगर जन्नती तो नहीं हुई। वजीर कहने लगे बादशाह कैसे बात करते हो, ये कौन बता सकता है आप जन्नती हो या जन्नती हो, ये तो कोई आदमी नहीं बता सकता है, ये तो कोई मुफ्ती बता सकता है। हारून रशीद बादशाह कहने लगा तमाम इलाके के मुफ्तियों को इकट्ठा करो, तमाम इलाके के कारियों को इकट्ठा करो, तमाम इलाके के मुफ्तियों को इकट्ठा करो, दरबार में सजाओ। हारून रशीद की बीबी पापा दादी थी, पर्दा करने वाली बीबी थी। कहने लगे अब तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दिया, अब तो मैं उसकी खातों नहीं रही। हारून रशीद की बीवी हारून रशीद के सामने नहीं आती, अब हजरत मोहतर पर्दा कर दी, पापा करती देखते भी नहीं। हारून रशीद सादा बड़े परेशान हैं, कहने लगे ऐ वजीर जल्दी से महल को जल्दी से तख्त को सजवाओ, जल्दी से इस दरबार को सजवाओ, और सारी आवाम को बुलवाओ, सारे मुफ्तियों को बुलवाओ, सारे कारियों को बुलवाओ, सारे हाफिजों को बुलवाओ, ताकि मेरे खत्म नहीं होगा, पैसा दिया जाएगा, जो भी छोटा भाई महल के अंदर आता जो जो भी सुनता महल के अंदर दाखिल होगा, दरबार सजा हुआ था। हर हर रशीद बादशाह तख्त पर बैठा, सारे आवाम बैठे थे, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, तो बड़े सुनो के सुनिए मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हर हर रशीद बादशाह तख्त पर बैठा, सारी आवाम खड़ी थी। हर हर रशीद बादशाह ने कहा वजीरों से कि जितने भी इसमें मुफ्ती हैं मुझे बताओ कौन कौन है। कहने लगे इधर खड़े इधर कारी इधर हाफिज इधर मौलवी। कहा सारी आवाम से कहा आज बादशाह तख्त पर बैठा है तो चेहरा बहुत उतरा उतरा है, आज चेहरे पर रौनक नहीं है, आज तेवर बदले। लोगों ने पूछा हमारे बादशाह हमारे आगे हो, ये बताओ इसलिए परेशान हो क्यों हमको बुलाया। बादशाह कहने लगा मैंने तुमको बुलवाया, मैं और मेरी बीवी पापा भी मोहब्बत के साथ रहते थे, मेरी बीवी मुझसे भी अपना मोहब्बत करती, मैं भी अपनी बीवी से भी अपना मोहब्बत करता, और जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ मेरी बीवी ने मुझसे कह दिया बादशाह को चढ़ दी है, मैंने भी कह दिया कि मैं चढ़ दी तो तुझे तलाक, अब मेरा सवाल यही है मुझे बता दो मैं चढ़ती हूँ या चढ़ती हूँ। चल के बोलो सुभान अल्लाह, अब मुझे बताओ तुम मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती हूँ। इस बात को सुनने के बाद सारी तमाम के अंदर महल के अंदर सन्नाटा छा गया, सब छुट्टी साथ आए, सब के सब खामोश। कहने लगे हारून रशीद बादशाह सुनो कौन बता सकता है मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, कैसे बात करते हो बादशाह। कहने लगे मेरी बीवी ने मुझसे यही कहा था, मैंने कह कह यही लगाई थी, अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुम तलाक है तलाक है, अब मुझे बताओ इस बात को। सारे अब हजरत मोहतरम ये सवाल को कोई हल करेगा, कोई चीज ये हल नहीं कर सकता, एक मुफ्ती का करने वाला तालिबे इल्मी इसको हल कर सकता है, एक मुफ्ती ही हल कर सकता है, कारी कुरान हल कर सकता है। हजरत मोहतरम बादशाह के दरबार में ऐलान हो रहा था अगर बादशाह इस सवाल का जवाब किसी ने दे दिया पैसे दिए जाएंगे, इतने दीनार दिए जाएंगे, दो सौ नस्ले खाएंगे। हजरत मोहतरम एक बच्चा मदरसा से सफर कर आ रहा था जिसकी उम्र 12 या 13 साल की, सीने से किताबें लगा करके बच्चे ने सुना घर नहीं गया बल्कि बादशाह महल के अंदर दाखिल हो गया। वो बादशाह महल के अंदर दाखिल होने के बाद हाथ उठाता है
सुहान रा सुहान रा मैं दूंगा बादशाह, तो यही सुनना चाह रहा था कि कोई मुझसे ये कह दे कि तेरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। बादशाह के कानों ने जब इस बात को सुना कोई मेरे सवाल का जवाब देने वाला है, बादशाह का चेहरा खिल उठा, बादशाह मुस्कुराने लगाया, कहने लगा चलिए हटो इसको मेरे पास आओ मेरे करीब लाओ। बादशाह शब्द से करीब बुलाया, बुलाने के बाद अपने तख्त पर बिठाया, बिठाने के बाद बच्चे से पूछा, ऐ बच्चे तू सच बता रहा है, तू जानता है मेरे सवाल का जवाब देगा। बच्चा कहने लगा ऐ बादशाह चीजिए बिना तेरा सवाल क्या है। हारून रशीद बादशाह तेरी बीबी को तलाक नहीं हुई, तेरी बीबी तेरे निकाह में आज भी है। इस बात को जैसे ही सुना हारून रशीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हजरत आयत ने इस बात को सुनने के बाद वजीरों ने कहा, मुफ्तियों ने कहा, कारियों ने कहा, ओ बच्चे तूने मल्ला सानी के साथ कह दिया कि हारून रशीद जो है जहन्नमी नहीं है बल्कि जन्नत की उसकी बीबी को तलाक नहीं हुई। तुम्हारे पास कोई दलील है तो सबूत में पेश करो, बगैर दलील के नहीं मान सकते। मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा कहने लगा ए खारियो ए मुफ्तियो तुमसे सबूत मांगते हैं, तुमसे सबूत मांगते हैं, आओ मैं तुमको सबूत देता हूं। वो सबूत भी ऐसा होगा तुम इंकार नहीं कर सकते, अल्लाह का कुरान खोलो, अल्लाह का मुकद्दस कुरान खोलो। इसमें पारा खोलो, अल्लाह कुरान के अंदर इशारा फरमाता है, क्या मैं खाता मैं भूख लगती है, दलहन दलहन मांगा कोई कोई जन्नत नहीं है मांगा, जिसके दिल के अंदर जिसके मन के अंदर हारून रशीद की बीवी को तलाक नहीं हुआ। बच्चे सब कहने लगे बच्चे जा तो रहा है, जाते जाते अपने नाम बता दे क्या नाम है। वो बच्चा कहने लगा हमारे तुम्हारे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा। अब मैं एक थोड़ी छोटी सी नज़्म सुना के अलिफ से या तक के लोगों को याद नमाज के बारे में लोग नमाज जो है बहुत